सूदखोर सतवानी गार्ड ने रिटायर्ड रेल कर्मी की सारे जिंदगी की कमाई हड़पी। पीड़ित व्यक्ति ने जन सुनवाई में कलेक्टर से की न्याय दिलाने की गुहार। रतलाम में सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी मदनलाल बोरासी निवासी सर्वोदय नगर ने कल जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट को रेलवे गार्ड राधा किशन सतवानी की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि वह रेल कर्मचारी और अपने परिचित रेलवे गार्ड राधा किशन सतवानी से अपने बेटे के विवाह के लिए 2010 में 2.5 लाख रुपया 1.5% ब्याज पर उधार लिया था। उस समय गार्ड सतवानी ने मदनलाल से हस्ताक्षर किए हुए 5 खाली चेक, ATM कार्ड और बैंक की पासबुक जमानत के रूप में लेकर उसे 2,50,000 रुपये उधार दे दिए तथा ये कहा था कि वे हर माह उसके खाते से केवल ब्याज के रूप ही निकालेगा। मदनलाल बुरासी सतवानी से अच्छा परिचित था, इसलिए उसने विश्वास कर अपनी पासबुक और ATM उन्हें दे दिया, जिसके बाद सतवानी ने नवंबर 2022 तक उसके खाते से 30,000 रुपये प्रतिमाह निकाले। और जब बोरासी ने पूछा तो उसने कहा कि मैं तुम्हें हिसाब करके बता दूंगा और अगर पैसा तुम्हारा निकलेगा तो तुम्हें दे दूंगा। और इस तरह सतवानी ने उसे गुमराह कर चक्कर लगाने और चक्कर देना प्रारंभ कर दिया। कई बार बोरासी ने उनसे हिसाब करने को कहा लेकिन उन्होंने हिसाब नहीं किया और ना ही उसे कुछ बताया। बाद में उसने बोरासी को डराना प्रारंभ कर दिया कि उसके तो दादा और पहलवानों से संबंध है और पुलिस से भी सांठगांठ है, तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम जो हो वो कर लेना। फिर भी पीड़ित अपनी पत्नी को लेकर उसके घर गया और उसने कहा कि मेरा ATM और पासबुक मुझे वापस कर दो। तब भी उन्होंने कहा कि वह ATM और पासबुक गुम हो गया है और फिर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए कि मैं तुम्हारा हिसाब करके बाकी पैसे तुम्हारे खाते में डाल दूंगा। उसके बाद पीड़ित अपने छोटे लड़के की शादी के लिए गांव चला गया और जब शादी करके वापस आया तो उसने शादी के कार्यक्रम के लिए जो भी खर्चा देना बाकी था उसके लिए वे पैसे लेने जब बैंक गया तो उसने सतवानी की धोखाधड़ी का पता चला। इस बीच उसकी सेवानिवृत्ति के जो 15 लाख रुपये उसके खाते में आए थे वे भी उसके खाते में नहीं मिले, तब उसे अपने साथ हुए धोखाधड़ी का पता लगा। जब उसने बात की तो उसने कहा कि मुझे आवश्यकता थी तो मैंने 15 लाख रुपए मेरे बेटे के खाते में 4/10/2021 को ट्रांसफर करवा दिए। आज दिनांक तक सूदखोर ने मदनलाल बोरासी से 15 लाख सेवानिवृत्ति के 2 लाख टुकड़ों में निकाले। इस तरह कुल मिलाकर 27 लाख रुपए उसने खाते से आज दिनांक तक निकाल लिए थे। और जब बोरासी ने पुलिस में जाकर शिकायत करने को कहा तो सतवानी ने उसके खाते में 5 लाख वापस डाल दी और विश्वास दिलाया कि वे बाकी के 23 लाख रुपये भी उसके खाते में डाल देगा। लेकिन उसके बाद से आज तक वे तो फ़ोन भी नहीं उठाया और ना ही घर पर मिलने जाओ तो वो कभी मिलता है। पीड़ित बोरासी ने जिलाधीश से कहा कि सतवानी ने मेरी जिंदगी भर की कमाई हड़प ली है और मेरे परिवार का जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। मैंने अपने छोटे पुत्र की शादी में जो लोगों से उधार लेकर काम किया था वे लोग अब भी मुझे परेशान कर रहे हैं, अथा मुझे मेरा पैसा शीघ्र दिलवाए नहीं तो मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। साइन करवा के रख लिए थे कि मुझे इस एवज में कि हम आपके पेमेंट निकाल के रहेंगे और जिस दिन हो जाएगा हम आपको आपकी सब चीज़ें वापस करेंगे। कितने का महीना आप निकाल कर रहे हैं? उनकी पेमेंट करीबन 35-40 लाख रुपये आती है। उसमें सिर्फ 5,000 रुपये देते थे खर्चे के, वो भी हमको बाद में पता चला कि सिर्फ 5,000 रुपये देते थे, बाकी हमारे उसमें जमा करते हैं। ऐसा ब्याज अब ब्याज 31 महीने में बताया था 1.5% पे दे रहे, 2% पे दे रहे हैं, बाकी अब आज तक पूछते हैं कि कितना हुआ होगा आपके पास, कितना मूल हमारा बाकी है, कितना जमा हो गया, तो बोलते हैं हाँ हिसाब कर लेंगे कर लेंगे। कितने सालों से भी निकाल ये करीबन सर 9 साल हो गया। और इनका रिटायरमेंट का पैसा का भी कोई इशू है? रिटायरमेंट का पैसा इनको मिला था 15-16 लाख रुपये, तो पापा को बुलाया था उन्होंने कि आप तेरा पैसा हम तेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देते हैं, तो धड़ी करके उन्होंने मुझे बुलाया, बाहर बैंक के खड़े हुए थे, अंदर गए और इनसे साइन करवा लिए कागज में कि बोले तेरे अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करवा देते हैं। और हम मेरी सगाई थी, हम चले गए थे बाहर, जब वापस आए तो इन्होंने बोला कि मुझे पैसे की जरूरत है, मैं बैंक से निकाल लेता हूँ। तो जब ये गए तो इनके अकाउंट में पेमेंट ही नहीं, उनके लड़के गौरव सतवानी के नाम पे उन्होंने RTGS करवाए, 15 लाख उन्होंने ट्रांसफ़र करवाया। फिर ये गए उनसे लेने, उन्होंने 5 लाख रुपये इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, बाकी बोलने का हिसाब कर लिया। और आज दिन तक ना उन्होंने आज तक हिसाब बताया, ना ही कभी बात करते, जब भी जाते हैं तो बोले कर देंगे कर देंगे, और जब बोलने के बोले मेरा अब ये नौबत आ गई घर चलाना मुश्किल हो गया। जब ये गए तो बोलने का हाँ जो मर जा क्या कर लेगा हमारा, हमारे बहुत पहचाने जहाँ जहाँ चाहे जो हो सके तो कर लेंगे। रखिए देश के हर शहर हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ फास्ट आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं
ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।